हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, बड़ी स्टार्टिंग की वीडियो है लाइनेक्स की। काली लाइनेक्स हम लोग सीख रहे हैं, तो आज से ये शुरू कर रहा हूँ मैं काली लाइनेक्स। तो इस पर भी वीडियोस आती रहेंगी। तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरीके से कमांड्स को यूज़ किया जा सके। आगे चल करके हैकिंग की भी बात करेंगे हम, और संभवतः एक हैकिंग का नया चैनल भी बनाऊंगा मैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बता ही दिया है अपने कम्युनिटी टैब पर। तो अभी सबसे पहले क्या करना है, वर्चुअल मशीन को ऑन करना है। तो हमारी वर्चुअल मशीन कहाँ है जरा देखिए, इसमें यहाँ पर हमारी है वर्चुअल मशीन। तो ओरेकल वीएम वर्चुअल बॉक्स, इसको ओपन कर लेना है डबल क्लिक करके। जैसे ही ये ओपन होगा तो यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक करना, ये जो स्टार्ट दिखा है इस पे क्लिक करिएगा। जैसे क्लिक करेंगे तो एक ऐसा इंटरफेस आपको देखने को आएगा, ये डालना होगा पासवर्ड। तो जो भी हमारा रिलेटेड पासवर्ड है, यूजर आईडी डालने के बाद पासवर्ड भी मैं डाल देता हूँ ताकि ये ओपन हो जाए, ठीक है। तो जो इसे इंस्टॉल करते वक्त मैंने पासवर्ड बनाया था वो पासवर्ड भी मैंने डाल दिया है और ये ओपन हो रहा है। देख सकते हैं ये इंटरफेस बड़ा अच्छा लगता है मुझे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरह का इंटरफेस आ चुका है हमारे सामने लाइनेक्स का। और अब हमें क्या करना है, अब हमें ओपन करना है यहाँ से जो टर्मिनल है वो। तो यहाँ पे आपको टर्मिनल मिल जाता है, तो ये टर्मिनल ओपन कर लीजिए। अब सबसे पहला काम क्या करना है, यहाँ डायरेक्टरी बनाना है। तो देखिए यहाँ पर डायरेक्टरी बनाने के लिए आपको mkdir यूज करना होगा। तो यहाँ लिखिएगा mkdir और मैं यहाँ india1 के नाम से एक डायरेक्टरी बना रहा हूँ और एंटर करूंगा। देखिए यहाँ पर जब डायरेक्टरी के अंदर जाना होगा, जैसे MS DOS जब हम लोग कमांड प्रॉम्प्ट यूज करते थे तो वहां पर क्या था, वहां पर केवल MD था, यहाँ पर MKDIR है। अंदर जाने के लिए इसी डायरेक्टरी के CD ही यूज करेंगे, और यहाँ जैसे लिखा हुआ है India1 वैसे ही हमें लिख देना है। तो हम India1 के अंदर चले जाएंगे, यहाँ पर देख भी सकते हैं यहाँ India1 लिखा हुआ आ चुका है, ठीक है। अब क्या करना है, अब नेक्स्ट काम ये करना है हमें कि एक फाइल बनानी है। तो देखिए फाइल बनाने का यहाँ कमांड क्या होता है, फाइल बनाने का जो कमांड होता है वो होता है कैट, तो CAT कैट। तो ये फाइल का नाम हो गया आपके, और एंटर कर दीजिएगा। आप यहाँ कुछ लिख देना है, जैसे मान लीजिए I am an Indian, I love my country, ठीक है, ये मैंने लिख दिया है। और ये लिख करके आपको क्या करना है, कंट्रोल के साथ D प्रेस करना है। क्या प्रेस करना है, कंट्रोल के साथ डी प्रेस करना है। तो कंट्रोल डी प्रेस कीजिए, और जैसे कंट्रोल डी प्रेस करेंगे तो ऑल द थिंग्स आर सेव्ड, तो सारी चीजें सेव हो जाएंगी। अब हमें देखना है कि हम किस वर्किंग डायरेक्टरी में काम कर रहे हैं, तो आपको PWD कमांड चलाना चाहिए। इसका मतलब होता है प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी। तो देखिए हमारा जो पाथ है, हमारा जो रास्ता है वो यही है, देख सकते हैं यहाँ पे, ये जो है हमारा करेंट पाथ चल रहा है, ये हमारी करेंट वर्किंग डायरेक्टरी चल रही है। तो इससे ये पता चल जाएगा कि आपकी वर्किंग डायरेक्टरी कौन सी है, ठीक है।